मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। नवरात्रि के त्यौहार के मौके पर पूरे देश में गरबा खेला जा रहा है और गरबा खेलने के समय एक युवक की मौत का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जो गुजरात का बताया जा रहा है, जहां गरबा खेलने के दौरान युवक को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना मुंबई के मुलुंड इलाके से सामने आई है, जहां गरबा खेलते समय डोंबिवली के रहने वाले ऋषभ लहरी मांगे 25 साल को अचानक सीने में दर्द होने लगा और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ऋषभ की मौत के बाद परिवार वालों से मुलाकात की और बताया कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। किरीट सोमैया ने बताया है कि गरबा के दौरान ऋषभ की मौत हुई है और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि वहां पर किसी से कोई झगड़ा या झड़प नहीं हुआ, ऐसा कोई हादसा वहां पर नहीं हुआ है। वहीं परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्दैवी घटना है, 25 वर्ष का तरुणा था, अथा प्रकाराने मृत्यू हुआ होने मेडिकल का इश्यू आहे, त्याचा पोस्टमार्टम का फाइनल रिपोर्ट येणार त्यावेळी कळेल। परिवाराला मी हेच सांगितलं, आपलं दुर्दैव, कारण की मुलाचा काही दोष नाही, काही दुर्घटना नाही, काही व्यसन नाही, काही भांडण नाही, काही मारामारी नाही, दांड्या खेळताना विकनेस सारखं वाटलं, देव त्यांचा आत्माला शांती दे। मी एक गोष्ट निश्चित सांगू इच्छितो की गणेशोत्सव असो, गोविंद असो, नवरात्र उत्सव असो, मुंबई असो, महाराष्ट्र असो, एक पण चुकीचा प्रसंग घटना होत नाही। समाजात डिसिप्लिन आली आहे आणि पोलिसांची व्यवस्थाही सुधारली आहे। मेडिकलमुळे काही दुर्घटना होतात त्याचा अफसोस आहे,